दोस्तों आज हम परिवहन विभाग के आयुक्त से मुलाकात की। मुलाकात करके हमने कुछ समस्याएं जो उससे अवगत कराया। पहला अवगत हमने ये कराया कि जो ऑफलाइन ऑनलाइन का इनका जो इशू था उसको खत्म किया जाए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं ऑनलाइन तो हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि पहले भी जो परमिट है वो ऑनलाइन किया गया था, लेकिन ऑनलाइन परमिट होने के बावजूद वो परमिट आज भी हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा और ड्राइवरों को मालिकों को वहां चक्कर काटने पड़ रहे। दूसरा हमने ये कहा कि कोई भी व्यवस्था आपने करनी है तो उसके लिए वहां काउंटर होना चाहिए, एक बड़ी स्क्रीन पे वहां समझाया जाना चाहिए कि ये व्यवस्था इस प्रकार बनाई जाएगी। दूसरा हमारा मेन मुद्दा था कि दिल्ली नॉन टैक्स एरिया है, इस एरिया के अंदर हमारी दिल्ली की गाड़ी कोई भी गाड़ी यहाँ आती है तो वो टैक्स नहीं देती, तो दिल्ली की गाड़ियों को टैक्सियों को 25,000 रुपये साल का क्यों लगाया गया, इसके लिए हमने पुरजोर विरोध किया। उसके बारे में सरकार से कहा कि सरकार अपनी तरफ से अपना ऑब्जेक्शन केंद्र सरकार को दे, जिससे कि दिल्ली नॉन टैक्स एरिया की गाड़ियों को 25,000 ना देना पड़े। इसी के साथ हमने सरकार को अवगत कराया कि 22 मार्च को हम एक सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, अगर आपने इस कार्य को नहीं मांगा तो उसके बाद एक बड़ा रूप लिया जाए। आज हम क्या नाम है परिवहन आयुक्त से मिले हैं, सभी यूनियन के लोग, ज़्यादातर जो अच्छी मजबूत यूनियन के लोग मिले हैं कमिश्नर साहब से, और हमने उनसे ये मांग करी है जो ऑनलाइन सिस्टम आपने शुरू करा है इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि 70-80% ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर पढ़े लिखे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हैं उनको, फीसें नहीं कट रही बराड़ी के अंदर और बाकी जगह पर सर्वर में नहीं कट रही, तो एक से एक फ्लॉप शो ये साबित हो रहा है। तो दोनों सिस्टम होने चाहिए और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया जैसे पहले सिस्टम चल रहा था, पहले फीसें कट रही थी उसी आधार पर ये फीसें अब कटेंगी। मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ। आप आज मिले थे कमिश्नर साहब से, क्या मुद्दे थे? मुद्दा यही था, सबसे पहला तो एक जो ऑनलाइन जो एकदम से सिस्टम लागू कर दिया गया और पिछले 3 दिन से सर्वर काम नहीं कर रहा है और चालक मालक सभी को परेशानियाँ हो रही थी, तो कमिश्नर साहब और स्पेशल कमिश्नर साहब के साथ जो वार्तालाप है वो अच्छी हुई है, तो उनको हमने जो सुझाव दिए थे कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रखो, वहाँ पर 3 काउंटर बना दिए जाएं और ताजो कोई वहाँ ड्राइवर पहुँचता तो उसको किसी दलाल को पैसा कोई ना देना पड़े, उसकी वहीं पर ही स्क्रीन चल रही हो, तो उन्होंने आज यही आश्वासन दिया। और दूसरा हमने जो मुद्दा एक रखना था जो उन्होंने कहा कि हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि जब दिल्ली सरकार कोई किसी तरह का किसी टैक्सी से टैक्स नहीं ले रही है तो बाहर जाने वाली जो गाड़ियाँ हमारी दूसरी स्टेटों में हम 25,000 रुपया क्यों दें, तो मुद्दे सारे जो थे वो अच्छे थे। और अचानक अभी उनकी जो मीटिंग एलजी साहब से आ गई है तो कुछ अभी रुके हुए हम इसलिए कि वो भी मुद्दा साथ के साथ निकाल के दिया जाए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 काउंटर लगा दिए जाएंगे, फिलहाल जब तक पूरी प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक इसको ऑफलाइन जैसे जैसे गाड़ियां पास हो रही थी होती रहेंगी। आप आज मिले, आपके क्या मुद्दे थे? मुद्दे तो काफ़ी हैं, पिछले 7 साल से जैसे दिल्ली की अराजक केजरीवाल सरकार जब से आई है सत्ता में तब से ऑटो टैक्सी चालकों की समस्या गंभीर होती जा रही है, तो आज हम परिवहन आयुक्त श्री आशीष कुंद्रा जी से भी मिले थे इस बारे में कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर था कि उसमें दिल्ली की जनता भी पिस रही है और ऑटो टैक्सी चालक भी पिस रहा है, तो बात एक समस्या की है कि चालकों का कार्य कैसे होगा। पिछले 2 दिन से ऑटो टैक्सी चालकों के अन्य कार्य नहीं हो पा रहे, सिर्फ ऑनलाइन फीसों को लेकर, जबकि हमारा ये कहना था कि भाई ऑनलाइन के साथ साथ जो ड्राइवर हमारे 80-90% पढ़े लिखे नहीं ऑटो टैक्सी चालक, फाइनेंसर, माफिया या बैंक वाले, उनके कागज उनके पास होते हैं, उनको कभी भी नजायज तौर पे इस्तेमाल करके वो अपने नाम अपने ऑटो टैक्सी नाम करवा सकते हैं, तो चालक जो है बर्बादी के कगार पे है इस ऑनलाइन प्रक्रिया को देखते हुए। तो हमने कमिश्नर साहब से ये आग्रह किया है भाई कम से कम चालकों के हितों को देखते हुए, जो उनके मानवाधिकार आयोग के हित बनते हैं, तो उन हितों को देखते हुए आप ऑनलाइन प्रक्रिया भी जारी रखें ताकि जिससे ड्राइवर को ये तसल्ली हो कि भाई मेरा काम जो है सही हो रहा है और मेरे आए बिना ना तो लोन चढ़ाया जा रहा है, ना मेरी अपना टैक्सी की NOC काटी जा रही है और ना ही मेरे आए बिना ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो दूसरी ये थी कि हम 22 तारीख को दिल्ली NCR में चक्का जाम कर रहे हैं, उसमें तमाम संगठन हमारे जुड़ चुके हैं और जो ये पिछले 7 साल से समस्या चल रही थी केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, जो मोटर वाहन संशोधन किया गया है और जो ट्रैफिक जुर्माना वृद्धि की गई है, तो उस काले कानूनों को लेकर दिल्ली NCR समेत पूरे देश में 22 तारीख को चक्का जाम होने जा रहा है, ये चेतावनी हम दिल्ली सरकार को और परिवहन विभाग को दे चुके हैं।